हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज है संडे और आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया सा आलता डिज़ाइन। बट आज के वीडियो में मैं नहीं लगा रही हूँ आलता, ये मेरी देवरानी है और ये खुद अपने पैरों पे लगाई है। और बस मैं इसकी वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ कि हम लोग रियल में, रियल लाइफ में कैसे आलता लगाते हैं। क्योंकि हमारे तरफ ना, जब भी कोई पर्व होता है, कोई भी मतलब लेडीज़ लोग का, शादीशुदा लड़कियों का, औरतों का कोई भी पर्व होता है, इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है कि आप एकदम से डिज़ाइन वाला आलता तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, नॉर्मल सा में जो लग जाए 5 से 10 मिनट में, वो ही लगा करके लोग पूजा करने के लिए निकल जाते हैं। तो देखिए, आज वट सावित्री पूजा है, इसके अनुसार समझ सकते हैं। वीडियो जो है वट सावित्री पूजा 30 मई 2022 को बनी है, ये आपके सामने थोड़ा लेट से आई क्योंकि मैं हर संडे को आलता की वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो जैसे जैसे संडे आ रही है, तो ये संडे आई है, समझिए कि इसके जस्ट बैक में आप मंडे को ले लीजिए तो वट सावित्री पूजा थी। और इसके बाद जब संडे आएगी तो मेरे पैरों में मेरी देवरानी लगाई थी, वो आलता लगेगी। तो बहुत से लोग पूछते ना कि देवरानी का मतलब क्या होता है, तो देवरानी का मतलब होता है मेरे हस्बैंड के भाई की बीवी देवरानी होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड हुए, तो हस्बैंड का जो भाई है उसको वो मेरा देवर लगा, तो उसकी जो भी दुल्हन आती है, ठीक है, उसकी जो भी बीवी हो, तो उसको देवर की बीवी को देवरानी बोलते हैं। तो मुझसे ये कमेंट में पूछा गया था, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 30 मई को वट सावित्री पूजा थी, सुबह से ही हम लोग दोनों मिलजुल के काम वगैरह किए। उसके बाद फिर नहा करके दोनों मिल के फिर वही पूजा की सामग्री एक जगह करना, फिर ये साड़ी वगैरह पहनी, मैं पहनी, मैं तैयार हो गई। उसके बाद फिर इसको भी मैं बोली थी कि तुम भी आ जाना, मैं तुम्हारा भी मेकअप कर दूँगी। तो ये मेरे पास आए, फिर मैं इसका भी मेकअप करी। तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया था, मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग पूजा करने निकले थे 10:30 बजे के बाद घर से निकले थे। काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी, गर्मी का समय है, मई महीना, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा भीषण गर्मी। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, आधा अधूरा आलता लगाई थी तो बिंदी देना भूल गई। फिर मैं बोली कि उसको थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करो, तो फिर यहाँ देखिए ये बड़ी सी बिंदी फिर उसके बाद दी ताकि ये और अच्छे से पता चले। तो इसने ये वाला आलता डिज़ाइन लगाया, और ये जो आलता डिज़ाइन ये आज लगाई है अपने पैरों में, इस टाइप के आलता डिज़ाइन मैं आज तक अपने पैरों में लगाकर नहीं दिखाई हूँ, और ना ही किसी और के पैरों में लगा हुआ मैं अपने चैनल पे दिखाई हूँ। तो ये आलता डिज़ाइन मेरे चैनल के लिए न्यू है। टाइम बहुत कम था, तो ये जो आलता है, आलता पहले से ही हम लोग नया बोतल से निकाल करके इस प्लेट में रखे थे। और ये कॉटन बर्ड्स, मतलब ये घर पे जल्दी से खुद ही बनाई थी, कॉटन को माचिस की तिल्ली में लगाकर और उसको धागे से बांध दी थी, और उसके बाद ये आलता लगा रही थी। तो सबसे पहले तो जो आलता निकला था उसी से हम लोग अपने अपने पंखे पे, यानी वट सावित्री पूजा में पंखा और मौली धागा का काम होता है फेरी देने के लिए, वट वृक्ष को पंखा करने के लिए। तो पंखे में हम लोग पहले नाम लिखे, और नाम लिखने के बाद फिर उसी आलता से हम लोग अपने अपने पैरों में आलता लगाए थे। तो यहाँ पे देखिए, इसके जो पैर हैं वो पैरों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि आप मेरी देखते हो। मुझे सैंडल या फिर चप्पल वगैरह 10 नंबर के बनते हैं। इसका जो चप्पल और स्लीपर्स जो भी है, सैंडल वगैरह, ये 6 या 7 नंबर की इसकी होती है। और इसने पहन रखी है दुल्हन वाली पायल, और इसकी शादी में इतनी मोटी सी चढ़ी थी। आप लोग तो इसकी काफ़ी सारी और भी वीडियो देखे होंगे, अभी मैं कंटिन्यू उतना तो वीडियो नहीं डाली हूँ, एक दो वीडियो इसका अभी डाली हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ गांव में। हवाएं इधर इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि मैं जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसके साथ आपको हवा का भी थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए आलता कैसे लग रही है, आलता कॉटन बर्ड्स बना हुआ है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने हाथों को रंगीन नहीं करना चाहते हैं, तो कॉटन बर्ड की मदद से आप आलता लगाइए, आपका हाथ रंगीन नहीं होता है। छोटा या फिर बड़ा आप लकड़ी भी ले सकते हैं, माचिस की तिल्ली भी ले सकते हैं, तो अपने हाथों को रंगीन होने से बचा सकते हैं आप। तो देखिए, इसने ना जो
बीच का जो उंगली होता है मतलब थंब, वहाँ से दो लाइनिंग खींच करके एक बिंदी दे दी है। तो इस तरह से ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए।